आईआईटी रुड़की के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और उनकी टीम ने 2005 में गुजरात के कच्छ में कोयले की खुदाई के दौरान निकले एक जीवाश्म को खोजा था। इसके बाद 2023 में इस जीवाश्म पर शोध करना शुरू किया था। शोध में पाया गया कि यह दुर्लभ प्रजाति का सांप का जीवाश्म है जो लगभग 47 मिलियन साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने इसे वासुकी नाम दिया है। सांप की विशेषता यह है कि यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। गुजरात के कच्छ जिले के पानंद्रो नामक जगह के पास एक कोयले की खान है, वहाँ से इन अवशेषों को निकाला था। और लेकिन इसकी स्टडी जो है हम लोग पिछले साल ही शुरू कर पाए, 2023 में जून जुलाई के आसपास, और अभी हम लोगों ने इसको साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल्स में पब्लिश किया है। ये अवशेष एक सांप के हैं जो कि एक बहुत ही विशाल काय सांप था, और इसकी लंबाई जो है करीब 15 मीटर तक हो सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक बात है। आज की दुनिया में इतना बड़ा सांप नहीं पाया जाता, इसके आसपास का भी नहीं है। ये पर्टिकुलर सांप जो है इंडिया से जो मिला है, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में इसकी गिनती गुजरात 5 साल में पनंद्रु लिग्नाइट माइन जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में है, वहाँ से प्रोफेसर सुनील वाजपेयी को और उनकी टीम को मिला था। और उसके बाद 2023 साल में सर और मैंने मिलके इस जीवाश्म का जो स्टडी है वो हमने शुरू किया था। तो इस स्टडी से हमें ये जानने को मिला है कि पहली बात तो ये है कि ये जो जीवाश्म है वो एक विलुप्त स्नेक की एक फैमिली है, मटसॉइडे, वो उसका एक मेंबर है। और वासुकी इंडिकस एक नया किस्म का सांप है, जिसलिए हमने उसका नाम वासुकी इंडिकस दिया है। और उसकी आकार बहुत बड़ा था।